أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج نومبر 1983 کی چار تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم کی آیت 8 سے ہو رہا ہے 6:8/8 سابقہ درسوں میں ये बताया गया था कि हर रसूल जो हक का पैगाम लेके आता उसके प्रोग्राम की कड़ियां यूं होती थी कि सबसे पहले वो दलायल और बुरहान की रूह से अपने पैगाम को पेश करता था, दूसरों से भी दलायल मांगता था। जो इन दलायल से कायल हो जाते थे, फिर वो ज़ाब्ता कवानीन था उनका इतलाक उन पे हो जाता था। जो लोग इसे भी नहीं मानते थे और इसकी मुखालफत में खड़े हो जाते थे तो उसके लिए फिर मुदाफियाना तौर पर कुव्वत का इस्तेमाल नागजीर हो जाता था, वहाँ कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ती थी उस रोग को रोकने के लिए। इस प्रोग्राम के बाद अब जाहिर है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो वो लोग आएंगे जो दलायल और बुरहान की रूह से अगर चाहें तो इस बात को समझने की कोशिश करें, ना चाहे तो उनसे कहा जाता था कि तुम हमारे प्रोग्राम में मुदाखलत ना करो, हम तुम्हारे प्रोग्राम में दखल नहीं देते। और इसके बावजूद फिर जो मुकाबले में जो आगे इसकी इसको रोकता था उस रुकावट को दूर करना जरूरी हो जाता था। अब अगली आयतों में एक और टाइप आता है सामने, मुकाबले करने वालों का, मुखालफत करने वालों का। शमशीर तक की भी सूरत यह थी कि खुले बंदों मैदान में सामने आते थे, खुले बंदों में मुकाबला होता था। अब एक और टाइप आता है जो चाहता है कि किसी तरह से कंप्रोमाइज कर लिया जाए, मुफाहमत कर ली जाए। फला तुतिल मुकज्जबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कि ये हक और सदाकत की तकरीब करने वाला एक ऐसा ग्रोह भी है जो चाहता ये है कि कुछ तुम झुको कुछ वो झुके, कुछ तुम पीछे हटो कुछ वो आगे बढ़े। मफाहमत या कंप्रोमाइज जिसे कहते हैं, कुरान करीम ने इससे भी वार्न किया है। उम्मत मुस्लिमा को बताया है कि ये बड़े खतरनाक किस्म का ग्रोह होता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि कश्मकश में कोई भी हो उसमें ये मुकाम आते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन यहाँ उनको वो लोग बताए कि जो तकजीब कर रहे हैं, और कहा यह है कि कतन इनकी बात न मानना। ये क्या चीज है? बातल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत में आना है हको बातिल न कर कबूल। हक पहले ही वक्त में अपने मकाम पे अटल होता है और सवाल ही नहीं होता कि वो कुछ गिव एंड टेक कर सके, कंप्रोमाइज कर सके, मुफाहमत पैदा करे। जो मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं कि एक शख्स दो और दो चार कहता है, दूसरा दो और दो छह कहता है। अब चार कहने वाला वो हक पर है, छह कहने वाला बातिल पे है, दरमियान में आ जाते हैं, ये वही कहता है कि साहब बाहमी जिद से क्या हासिल है, आइए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें। और कॉम्प्रोमाइज ये हो कि तुम भी मान लो मैं भी मान लेता हूं कि दो और दो पांच होते हैं। अब वो जो छह कहने वाला था उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो पहले भी बातिल पे था अब भी बातिल पे है। ये जो पहले चार कहने वाला हक पे था इसका तो रहा ही कुछ ना। ये तो अगर सवा चार भी कह लेगा तो अपने मुकाम से गिर गया।
हक कहते ही उसे हैं जो अपने मकाम पर अटल हो, उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, उसमें कोई दूसरी चीज शामिल नहीं हो सकती, और फिर कुरान ही के अल्फाज में उसके हिस्से बखरे भी नहीं हो सकते कि उसके कुछ हिस्से को आप माने और कुछ हिस्से से इनकार कर दें। वो तो फदखलू फिस सिल्म काफतन है, वो पूरे का पूरा हक को लेना होगा या उसे छोड़ना होगा। ये भी गलत है कि कोई हिस्सा उसका ले लिया जाए और दूसरे हिस्से से इनकार कर दिया जाए। तो ये जो चीज मुफाहमत की या कंप्रोमाइज की चीज है जो हक पर है, यहां जरा भी एक कदम वो इससे इधर उधर हुआ वो बातल पे आ गया। आमतौर पे लोग कहेंगे कि साहब ये बड़ा जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। देखिए ना, और जो मुफाहमत कराने वाले बीच में आ जाते हैं सालिस, वो भी ये कहते हैं कि देखिए साहब उसको देखिए कि वो मकाम अपना छोड़ता है। वो कहता है ठीक है मैं माने लेता हूं, मैं पीछे आ जाता हूं, मैं कह देता हूं दो और दो पांच होते हैं, और ये है कि जिद्दी है साहब, हिल ही नहीं रहे अपने मकाम पे। जिद्दी और हक परस्त में बड़ा फर्क होता है। जिद्दी वो होता है कि वो अपनी बात जो उसने खुद अख्तियार की है और उसके अख्तियार में है कि वो उसको छोड़ के दूसरी बात अख्तियार कर ले, वो अगर अपनी बात पे नाहक अड़ा हुआ है तो वो तो जिद्दी कहलाएगा। लेकिन जो हक को लेके आगे बढ़ा है वो हक को छोड़ कैसे दे, इसे जिद्दी नहीं कहा जाता, इसे असूल परस्त कहा जाता है। जो लोग हक के मानने वाले हैं वो असूल परस्त होते हैं, उनकी ये जिद नहीं होती। हक का तकाजा ये होता है कि वो अपने मकाम से जरा भी इधर उधर ना हटे। दीन जब मजहब में तब्दील हो जाता है वो हर मकाम पे वो फिर मफाहमतें करता है, हक मफाहमत नहीं करता। अब कुरान अगली आयात आई हैं उनमें इनका जिक्र है जो मफाहमत करने वाले, और अजीब चीज है जो कुरान ने बता दी कि ये कैरेक्टरलेस लोग होते हैं, इनका कैरेक्टर कोई नहीं होता। यानी पहले ही जो बात वो पेश कर रहे हैं वो ऐसी नहीं जिसके मुतल्लिक उनको यकीन हो कि ये हक है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, अटल है, ये नहीं होता। सौदेबाजी होती है कि ये कह दो, जितना दुकानदार जैसे नफा लेने वाला बेचना तो उसने होता है, 100 रुपए पे 150 रुपए कीमत बताता है और फिर कहता है जी तुसी 200 की दोगे। जिस दुकानदार के यहां ये असूल होगा कि मैं वही कहूंगा जो मुझे लेना है, उस पर अगर आप ये कहेंगे कि साहब कुछ कम करो तो वो कहते हैं कि साहब आगे चले जाइए, यहां ये असूल नहीं है। ये जो इस तरह करने वाला है, कुरान ने एक कैटेगरी अब आगे बताई है, अजीब व गरीब चीजें उसमें आती हैं। ये वो लोग हैं, यानी उसने बताया ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज करने वाला है याद रखिए वो हक के ऊपर नहीं है, जिद्दी है। और ये बात बताता नहीं है कि मैं हक के ऊपर नहीं हूं, पस ज़हनियत का इंसान है। आगे कुरान ने 5-6 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो किसी खास शख्सियत के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा, वो उन लोगों की ज़हनियत बता रहा है जो ये एटीट्यूड अख्तियार करते हैं, ये रविश अख्तियार करते हैं कि जो हक के साथ कंप्रोमाइज करने की दावत लेकर आते हैं। पस ज़हनियत, कैरेक्टरलेस, किरदार कोई नहीं, किरदार उसका है जो हक के ऊपर होता है। अब ये देखिए 5-6 अल्फाज कुरान लेके आ गया है। मैंने जैसा अर्ज किया है ये नहीं कि कोई खास शख्स था जिसके मुतल्लिक ये कुछ कहा गया है, और ना ही ये समझ लीजिए कि कुरान माज़ अल्लाह किसी को गाली देता है। कुरान तो बुतों को गाली देने से भी मना करता है, ये जाए कि अपने किसी मुखालिफ को, अपने किसी हरीफ को वो गालियां देना शुरू करे माज़ अल्लाह। वो ज़हनियत बताता है कि इस ज़हनियत के लोग भी आएंगे, और मुतद्दद मकामात पे कहा गया है ये कि ये ठीक है रसूल, हम जानते हैं कि जो लोग दलायल व बुराहीन से बात करेंगे उनसे भी तू तंग नहीं पड़ेगा।
जो मैदान जंग में खुले बंदों शमशीर लेकर आएंगे उनसे भी नहीं तो तंग पड़ेगा। ये जो इस किस्म की ज़हनियत और कैरेक्टर वाले लोग आएंगे, हम जानते हैं कि उससे तो तंग पड़ जाता है। वस्बिर अला मा यकूलूना, यानी ये नहीं कहा कि शमशीर के मुकाबले में स्टेडफास्ट रहो, कहा जो ये बातें करते हैं उस पर हिम्मत से हौसले से बर्दाश्त करो। तो गोया ये वो लोग हैं, इस ज़हनियत के लोग हैं कि उसका जवाब उस ज़हनियत से तो रसूल या हक परस्त दे नहीं सकता, वो उस मकाम पे उतर ही नहीं सकता, बड़ा पस्त मकाम होता है, उस पर वो उतर नहीं सकता। अब मुकाबला किस तरह से करे, बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त की कैफियत ये है, तो कुरान तो ये कहता है कि तू तो अपनी जान फुला ले, इसलिए हिम्मत से काम लो, दिल बर्दाश्ता ना हो। तो गोया ये वो टाइप आता है उन लोगों का कि जिनकी मुखालफत में मुखालफत कम होती है, पस्त जहनीत और कमीनापन ज्यादा होता है। वला तोते, पहले ये बात के मत माग बात मानो इनकी, ये जो कंप्रोमाइज या मफाहमत करने वाले आते हैं। अब देखिए कि क्या क्या उनकी खसूसियात बताई गई है। कुल्ला हल्लाफ महीन, महीन पस जहनीत का, जलील किरदार का इंसान, पस जहनीत का इंसान। और बताया यह है कि हल्लाफ बात बात पे कसम खाएगा, ये झूठे की पहचान होती है, सच्चे में खुश खुद एतमादी होती है। वो बात अपनी कहता है तो इस एतमाद के साथ कहता है कि जो कुछ मैंने कहा है ये सच है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कसमें खा के अपने झूठ को सच करके बताऊं। हल्लाफ कुरान ने जो कहा है, बार बार कसमें खा के अपनी गलत बात को सच्चा साबित करने वाला, सच्चा साबित करने की कोशिश करने वाला हल्लाफ है। हमारे लिए इन चीज़ों के अंदर सबक यह है अजीज़ान मन कि ऐसी सीरत एक मोमिन की नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है। ये नहीं है कि मैंने जैसा अर्ज किया है कि किसी खास शख्स के मुतल्लिक ये कहा कि वो ऐसा था, या उन लोगों की कोई ज़हनियत बताई है। कुरान तो क़यामत तक के लिए, आने वालों के लिए, हम सब के लिए, वो तो एक ज़ाबता हदायत है। हमारे लिए इसमें हदायत है जिन चीज़ों के मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि मज़मूम है ये, मायूब है ये, इस किस्म की सीरत और किरदार पसंदीदा नहीं है। उसके माने ये हैं कि तुम भी ये ख्याल कर लो कि ये बात तुम में ना कहीं पैदा हो जाए। हल्लाफ होना जो है, कुरान ने पहले ये बात कही कि झूठा होता है जो हल्लाफ होता है, जो बार बार कसमें खाता है वो झूठा होता है। वलात होते, अब उसके बाद ये कहा, और महीन होता है, जैसा मैंने अर्ज किया है, जिसे जिसमें खुद एतमादी होती है, वो वजनदार बात करता है और उसके बाद कहता है कि मेरी बात सच्ची है, जो कुछ मानना है तो मानिए, नहीं तो ना मानिए। बल्कि उसे तो रंज पैदा होता है अगर उसे कहा जाए कि तुमने झूठ बोला है। तो महीन होता है जो हल्लाफ होता है। तो हल्लाफ होना जो है कुरान ने बड़ा मायूब बता। अब आगे चलिए, पहले मैं अल्फाज बताता हूँ आपको किस अंदाज में कुरान लिए चला आ रहा है। हम्माज़िम मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मोतदिन असीमिन अतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीमिन। इन अल्फाज के मानी आपके सामने हो तो आप देखेंगे कुरान किस किस्म का एक 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 टाइप, एक कैरेक्टर किस किस्म का पेश कर गया है। ऐसा हम्माज, पंजाबी जी कहते ने चोभा लाने वाला, कचोके मारने वाला इसको कहते हैं, कचोके मारने वाला उर्दू में। लेकिन क्योंकि ये पंजाबियों की है, तुझी एक गल ज्यादा, ये जड़ा ना चोभा मारने वाला, ये अजीब चीज है, कचोके मारने वाला, इसके माने होते हैं जमात में तफरीक पैदा करने वाला और कमीनी हरकतों से। ये याद रखिए, इसमें हर चीज जो है महीन की है, दनात है, कमीन की है, उसके अंदर कुचों के मारने वाला, जमात में तफरीक पैदा करने वाला।
और इसके माने होते हैं कि जिसे हर जगह नुक्स ही नुक्स नजर आए, कोई अच्छी बात नजर ही ना आए, मक्खी की तरह जब बैठे गंदगी और गलाजत पे बैठे, कोई चीज उसे खूबसूरत और हसीन ना नजर आए, हर एक की ऐब की तलाशी करता रहे, यही ढूंढता रहे कि बुराई कहाँ है, कितनी है इसके अंदर, नुक्स ही नुक्स उसको दिखाई दे, अच्छाई कहीं दिखाई ही ना दे। ये अजीब किस्म की एक ज़हनियत है और ज़हनियत के बदलने से तो सब कुछ बदलता है। कुरान ने जो कहा है कि तुम तो एक तरफ, खुदा भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद अपनी ज़हनियत को बदल ना ले। सारा दारो मदार ज़हनियत के बदलने पे होता है। ज़हनियत एक ये बताई ना कि जिसे हर जगह हुस्नी खूब खराबी खराबी नजर आए, नुक्स ही नुक्स नजर आए, बुराई ही बुराई नजर आए, उफ किस कदर जहन्नम की जिंदगी है ऐसे शख्स की। कुरान इस किस्म का तगैयर नफ्स ज़हनियत में तब्दीली पैदा करता है कि वो खूबी को खूबी देखता है, खराबी को खराबी देखता है। वो एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, चमकती हुई दुआ है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह वो निगाह मुझे दे जो हर शय की हकीकत को देख ले, बुराई को बुराई देखे, भलाई को भलाई देखे। और जब फिर कुरान की बसीरत जिसे नूरुल्लाह कहा गया है, खुदा की रोशनी, ये तब्दीली वो पैदा करता है कि जिसमें फिर इंसान को जहां जहां अच्छाई होती है वो उभर कर नजर आती है अपनी निगाह में, यानी वो इस किस्म का चश्मा लगा लेता है। कुरान ऐसी तब्दीली पैदा करता है कि उसे फिर दुनिया में जहां जहां अच्छाई होती है वो उभर कर नजर आती है। क्या याद आ गया अख्तर का शेर कि ये किसको देखकर देखा है मैंने बज़्मे हस्ती को, कि जो शय है निगाहों में हसीं मालूम होती है। कुरान निगाहों में ये तब्दीली पैदा करता है, और तब्दीली ये निगाह ये होनी चाहिए अजीजा ने मान कि जहां कोई चीज किसी में कोई अच्छी है वो पहले नजर आए उसकी, फिर ये कचोके नहीं मारेगा, फिर ये तफरीक नहीं पैदा करेगा, फिर ये जहन्नम की आग में जलेगा नहीं। वो ज़हनियत तो किसी में अच्छाई भी देखती है तो जल भुन उठती है। एक लफ्ज है हम्माज, आप देखिए कि अरबी जुबान की जामईयत के एक लफ्ज में कितने मानी वो समो के रख देते थे। ये हमजा तिल्लो मजन अल्लाह जी जमा मालूम व हम्माज, हम्माजिम, मशाइन, मशाइन के माने होता है लगाई बुझाई करने वाला, हर वक्त चलता फिरता रहने वाला, उसके पास उसके पास उधर चला गया। ये सुना तुमने कुछ ऐसे यानी वो काम ही ये है सर, इसके पास चला जा रहा उसके पास चला जा रहा फिर रहा चल रहा है उसके, मशाइन कोई और काम ही नहीं है। हमारे दौर में इसको विस्परिंग कैंपेन कहते हैं, और प्रोपेगंडे की ये मोस्ट इफेक्टिव या मुअस्सर तरीन या बदतरीन शक्ल होती है। सुबह उठे और उधर कह दिया मियां सुना कुछ तुमने नहीं मैंने कुछ नहीं, वैसे तो हमें कुछ बात नहीं है लेकिन क्योंकि बात आई थी तो मैंने कहा मैं आप बता दूं। देखा ना उन साहब को मोहल्ले में कितने नमाजी परहेजगार नजर आते हैं, देखा करतूत क्या है उनके साथ की जमीन की, लेकिन हमें क्या साहब, अपनी अपनी गौर में अपने अपने लोगों ने जाना है, हमें क्या वास्ता। वैसे एक बात आई थी में तो मैंने कहा आपको पास देखना, ये किसी और से करना नहीं, हमें क्या वास्ता, और ये किया और आगे चले गए, फिर उसके पास चले गए। शाम तक सारे शहर में रेडियो टीवी वो प्रोपेगंडा नहीं कर सकती जो ये एक अकेला कर देगा, और फिर पता ही कहीं नहीं चलेगा कि बात शुरू कहां से हुई थी। जिससे पूछो वो ये बात दोहराएगा, और उससे पूछो क्या तो कहते सारी दुनिया कहती।
बदतरीन कैरेक्टर है, किसी के खिलाफ कुछ कहना है उससे कहो, खुल के कहो, धड़ल्ले से कहो, सामने आके कहो, बेनकाब कहो। मशाइन फिर कर दूं अजीजा ने मान, ये वो चीजें हैं जिनसे मुजतनब रहने के लिए कुरान ने इन चीजों को दोहराया है। ये नहीं है कि वो किसी खास शख्स की आदतें बता रहा है, ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। लगाई बुझाई करने वाला जिसे हमारे यहां कहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, क्या लफ्ज है समस्या। वाह बेनमीमिन, भड़काने वाला, बरंगेख्ता करने वाला, मुश्तइल करने वाला। बड़ा भैया आया तू, वो इस तरह से तुम्हारे खिलाफ कहता है बैठा हुआ साहब, ठीक है साहब। ये बेहमियती कहलाती है, बेगैरती कहलाती है जो तुम कह रहे हो, तहमल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ये कुछ करने वाला भड़का रहा है, अंगेख्त कर रहा है। मन्नाइन लिल खैर, कोई बात भलाई की हो उसमें रोड़े अटकाने वाला, ऐसी बात करने वाला कि उसमें तखरीब निकला है। नहीं बहन मुबारक हो, अल्लाह का हजार हजार शुक्र है। मैंने कहा ऊपर से ही कोठे पे से जाके मुबारक ले आऊं, लड़के की मंगनी के लिए आया है ना रिश्ता, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह हारे के हाँ ये कुछ करे, खुशी है बहन। अच्छा मैं जाती हूँ, मैं तो दुआ करती हूँ कि जैसे अल्लाह ने इस बच्चे का रिश्ता किया है इसी तरह इसकी मिर्गी भी हटा दे। तो अच्छा वो नीचे बैठे हुए हैं, मुबारक दे। बेटी हंसती है बाबा की बात। हाँ जी मनलाइल खैर, क्या बात है, बड़े सज्जन बन के आते हैं, बहुत हमदर्दी के साथ ये दुआ करती है मैं अल्लाह के हाथ से कि जैसे उसने ये किया इसकी मिर्गी भी हटा। आप देखेंगे ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे हर जगह। अब आप जहन में लाते चले जाइए, मैं समझता हूँ पर्दा सीमी की तरह वो लोग आपके सामने आते जाएंगे, आगे हम आश्रय के अंदर। और अब तो खुदा के फजल से बहुतात है इनकी, समझ कुछ ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं रहती। मन्नाइन लिल खैर, मोतदिन, तखरीबी मकासद में सबसे आगे बढ़ने वाला। अजीब चीज, कुरान ने दो मुतजाद अल्फाज लाया है, मोतदिन और असीमिन। नाकाए आसिमा कहते हैं वो जो ऊंटनी थक कर पीछे रह जाए डार के, और मोतदिन इत्दाद होता है जो आगे बढ़ने वाला हो। हर बुराई और तखरीब के काम में सबसे आगे आगे, अच्छाई के काम में सबसे पीछे पीछे। क्या कैरेक्टर बता रहा है कुरान अजीजा ने माना। उतुल्लिन, बेदर्दी से जैसे किसी बकरे को या बकरे की लाश को घसीट के ले जाने वाला और सब कुछ हड़प कर जाने वाला। दूसरों का सब कुछ हड़प करने वाला, घसीट कर जो ले जाए। बाद अजाले का जनीम, जनीम यूं ही किसी के साथ चिपका हुआ, दो माने इसके होते हैं कि खुद तो वो शाख खजान दीदा हो, अपना एक पत्ता ना हो, दूसरों के साथ चिपका चूसता चला जाए उनको। एक ही लफ्ज के अंदर ये दो चीजें होती हैं उसके। हर किस्म की शादाबी से, खुशहाली से मारूम, दूसरों का खून पीने वाला। अब आप देख रहे हैं क्या कुछ कुरान कह गया, क्या कैरेक्टर पेश कर गया है, किस किस्म की तस्वीरें उसे पेश करता चला जाता है। और उसके बाद कहा कि ये
झगड़ने के लिए। कैरेक्टर तो ये है। और बड़ा किस तरह से बन गया है, आन काना जा मालिम व बनीन, सरमायादार है, रुपया बहुत है और वोट्स बहुत हैं इसके पास। उस जमाने में कबायली जिंदगी के अंदर औलाद जो होती थी, कबीले के जो अफराद होते थे, उन पे दारोमदार होता था बड़ाई का। वो बदल के भेज जमाने में फिर से आते हैं। अगरचे पीर है आदम जमा है लातो मनात, ये जो मगरब की जमहूरियत है वही जिंदगी है। अक्सरियत हाथ उठाने वालों की है ना, वहां कबायली जिंदगी थी तो वहां वो अपनी औलाद अपने रिश्तेदार ये गिने जाते थे, इनकी बिना पे कबीले का बोझ और वजन होता था। आज इसी तरह से जरा सी उसकी शक्ल बदली हुई है। दो चीजें कैसे इकट्ठी कर गया कुरान, जा मालिम व बनीन, उसके लिए सरमायादारी बड़ी जरूरी चीज है। पैसे हों और फिर जितने जी चाहे आप वोट इकट्ठे कर लीजिए, सब बनीन होते हैं आपके, जितने बेटे जी चाहे खरीद लीजिए। कहता कैरेक्टर ये है और खूबी सारी ये है उसके अंदर के पैसे हैं और जत्था मजबूत है। यूं कहिए आज की इस कला में पार्टी बड़ी तगड़ी है। हक को तो इसकी जरूरत ही नहीं होती कि उसकी ताईद में कितने हाथ उठते हैं। हक की दावत देने वाला तो अना अव्वल मुस्लिमीन कहता, मैं तब सबसे पहला अकेला, कोई सेकंड करने वाला भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं हक के ऊपर हूं एक। ये तो मैार ही सारे गलत है। अक्सरियत किसकी तरफ है, हक किसकी तरफ है? और हक तो बहरहाल उम्मत मुस्लिमा हो या कोई, वो तो खुदा की किताब ही है। सवाल ही ये है, डिसाइडिंग फैक्टर, फैसला कौन, हकीकत ये है, खुदा की किताब किसकी ताईद करती है? उसके साथ एक वोट भी ना हो तो वह हक पे है। और 100% वोट ले जाने वाला भी अगर इसके खिलाफ है तो वो हक पर नहीं है, वो जामालिन है व बनीन है, रुपया है उसके पास, वोटें ज्यादा उसके पास है, हक नहीं हो जाता। क्या क्या चीजें कुरान कहता जाता है। वाइजा तुतला अलैह आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब उसके सामने कुरान के हकायक पेश किए जाते हैं, कहा जाता है कि जिस कौम ने भी ये रवश अख्तियार की थी तो उसका नतीजा तबाही और बर्बादी था, तो वो कहता है कि ये अगले लोगों की कहानियां बनाई हुई हैं, अफसाने हैं, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अफसाने हैं। कहा ये हैं जो मुकाबले के अंदर ये रसूल अब आ रहे हैं, सनसमहु अलल खुरतूम, ये मुहावरा है जैसे नाक काट देना, क्या कहते हैं ना कि इसकी नाक चौराहे में कटेगी, ये इतना बड़ा जो इज्जत वाला बना फिरता है अंजाम ये होगा। तो वाकई ये जितनी मुखालफतें जिस जिस अंदाज से उभरी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बार के खिलाफ, अंजाम सबका ये हुआ था, बुरी तरह से शिकस्तें हुई थी। आगे एक मिसाल के जरिए से बात समझाता है कि ये किरदार कैसे पैदा होता है और इस किस्म का माशरा किस तरह से पैदा होता है। अब ये देखिए कि क्या मिसाल कुरान ने दी है और बुनियादी बात क्या कह गया है गलत और सही माशरे के अंदर। इन्ना बलाओ ना हूं कमा बलाओ ना अस्हाबुल जन्नत, कहते हैं कुरान का अंदाज ये है कि आइए तुम्हें एक मासूस मिसाल से बात समझाएं। ये वाकया नहीं कोई होता बल्कि एक मिसाल देती है कुरान। कुरान ने दो मकामात पर ये यहां भी बाग वालों की मिसाल दी है और सूरह कहफ में भी बाग वालों की मिसाल है, 18
बटा गालबन 32-40 तक है आयात, बाग वालों की मिसाल। यहां भी कुरान ने बाग वालों की मिसाल दी है, इज अक्समु लयसरमुन्नहा मुस्बहीना। उन्होंने कहा कि भाई फल पक गया हुआ है, कल सुबह ही सुबह चलेंगे और वो फल काट लेंगे। बाग था, बड़ा शादाब था, समरबार था, फलों से पौधे झुके हुए थे, राइप हो गए, पक गए हुए थे, और उसके बाद ये अपना फल तोड़ने के लिए सुबह कहने लगे जाएंगे। अब ये देखिए फर्क क्या कुरान बताता है, वला यस्तस्नून। उन्होंने ये कहा कि उसमें किसी मोहताज और गरीब और मिस्कीन का कोई हिस्सा नहीं होगा। बाग है बहुत बड़ा, पके हुए फल है, फल तोड़ने को जा रहे हैं, अब एक ही बात कह दी, ये ज़हनियत है। सरमायादारी की ज़हनियत ही ये होती है। कारून के मुतल्लिक जो कुरान ने कहा है ना, कि उसे कहा गया कि इतना माल इतनी दौलत जमा कर ली है, तो इसमें देखो तो गरीबों का मिस्कीनों का मोहताजों का हिस्सा है। तो उसने कहा कि मैंने जमा कर लिया है, ये मेरी कारीगरी है कि जिसकी वजह से मैंने जमा कर लिया, गरीबों मिस्कीनों का इसमें क्या हाथ है, उन्होंने इसके जमा करने में क्या किया है। यानी ये उसने दलील दी थी कि मुझे मेरी कारीगरी से ही मिला है, इसलिए इसमें किसी का हक नहीं हो सकता। अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वरना हर सरमायादार से पूछा जाए कि खुद तो वो मेहनत नहीं करता, ये जितना कुछ आ रहा है ये नहीं गरीबों की मेहनत का नतीजा है ना जो तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन वो तो ये कहता है कि मेरा सरमाया मेरी टेक्निक, मेरी हुनरमंदी, मेरी कारीगरी, चालाकी, फरेबकारी, सब कुछ मैंने किया और मेरे पास ये आ गया, इनका इसमें क्या है, वो ये कहता है। अब ये देखिए कि मिसाल कहाँ आ रही है, भरे हुए बागात हैं, ज़हनियत यह है कि किसी मोहताज और मिस्कीन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। फताफा अलैह ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नायमून। ये फैसला करके कि सुबह जाके फल काट लेंगे, सो गए, और सोते ही सोते टिड्डी दल आया बाहर से, और वो ऐसा आया कि उसने असबाहत का सरीम, उसे सारे खेत को ऐसे कर दिया जैसे किसी खेत से, इस बाग को ऐसे कर दिया जैसे किसी खेत से फसल को काट लिया जाए और जो बाकी बंजर बाकी रह जाए, यूं ठुठ रह गए। एक तूफान आया टड्डी दल का, खत्म कर दिया। आपको याद है जो आयात वह हशर की 56 की, जो मैं कुरान ने यह कहा था खेती उगाने वालों को कि जरा देखो सही कि इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है, हमारा कितना हिस्सा है, जमीन किसकी है, तुम्हारे बाबा की नहीं है, जमीन हमारी है, तुम तो हाली चलाते हो ना, पानी की जरूरत है तुम पानी बना सकते हो, हम भेजते हैं ना, हरारत की जरूरत है, सूरज तुम्हारा है, हमारा है ना, तुम तो सिर्फ निगहदाश्त करते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो, खेती पक गई, खलियान तैयार हो गया, अब उसके बाद कहा कि अब ये कारोबार तुम्हारा और हमारा मुश्तरका था, ये खुदा कह रहा है, तो दयानतदार कारोबार की तरह आओ, हिस्सा कर लो, बांटो इसको, तुम्हारी सिर्फ मेहनत है, सारी इन्वेस्टमेंट हमारी है, हमारा हिस्सा हमें दो, अपना हिस्सा आप दे जाओ, लैसा लिल इंसान है इल्ला मा सा, सिर्फ मेहनत का हकदार होता है, जिस कमाई में मेहनत शामिल नहीं है सिर्फ इन्वेस्टमेंट है वो हराम है, रिबा है। कहा तुम्हारी मेहनत है, तुम अपना हिस्सा ले लो, हमारा हिस्सा हमें दो। कहा कि जी आप तो कहीं नजर ही नहीं आते, कहीं मुलाकात ही नहीं होती, आपको हिस्सा किस तरह से दे। कहा भूखों को दे दो हम तक पहुंच जाएगा, कुरान है। कहा ये कह के सुबह गए
فتناداؤ مصبحین، پکارا ایک دوسرے کو نغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین، چلو چلو جلدی صبح ہی صبح جا کے فارغ ہو جائیں، پھل کاٹ لائیں. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، جا رہے تھے اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا، ایسی احتیاط کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج نہ یہاں جبڑ کے آ جائیں. ان کی عادت ہے، پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کاٹنے گئے ہیں، برداشت کرنے گئے ہیں، تو یہ آ جاتے ہیں، ہجوم کر کے آ جاتے ہیں. آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے، انتظام کر لینا اس کا. وغداو علی ہر دن قادرین، اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام، اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے. وہ چار آدمی باہر کھڑے کیے ہوئے، غریب بیچارہ کہاں جا سکتا ہے، وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، کیا انداز ہے قرآن کا سٹوری بیان کرنا ہے. کہتا ہے کہ اپنی باغ کے اوپر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ میاں کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ کہاں آ گئے ہم آپ. راستہ کہا تم تو آج نہیں بھولے، دیر کے بھولے ہوئے تھے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آ گئے ہم. پھر اس کے بعد آنکھیں ملی، ذرا دیکھا، کہا کہ نہیں باغ تو وہ ہمارا ہی ہے. ہوا گیا بل نحنو محرومون، ہمارا تو بیڑا گرک ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں ہے، چٹی پڑ گئی، ساری محنت گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے ہم، دعائی مچا دی. ایک جھٹکا آیا تھا نا خدا کا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے وہ شخص تو ذرا اعتدال رکھتا تھا، جس کا ذہن جو صاحب مدہوشی کے عالم میں نہیں تھا، کچھ ہوش برقرار تھے اس کے، اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا. اب یہاں جو ہے نا، پھر میں عرض کروں لولا تسبحون، عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیرا کرو. دیکھا تسبیح نہیں جی پھیر دے. کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا. وَسَبِّحْ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ، خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے تگ و تاز کیا کرو ساتھ. اس کے لیے محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہی زیادتی کر رہے تھے، جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کرتے تھے. فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے، جیسے ہوتا ہے ایسے مخت کے اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا غرق تو نے یہ کرایا، میں نے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا اس کو کہتا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے. اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہیں اس کے اندر. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تھی، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی. اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا. بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغ والوں کی کتاب، ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر جو سانپ بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کے اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں، کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ الٹ کے رکھ دیں گے، ایسا جیسے وہ باغ والوں کا نقشہ الٹا تھا.
देखा मिसाल क्या दी है, महसूस मिसाल देता है कुरान। ज़हनी नहीं सिर्फ होती, एतकादी सिर्फ नहीं होती, यूं ही नहीं होता कि इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो सच में दिखाता है बेड़ा जो गर्क हो रहा होता है। कहता है ये कैफियत होती है इन लोगों की, इस तरह से इनका नक्शा उधर जाएगा। जो ये ज़हनियत रखते हैं कि सिर्फ माल और जत्थे की मजबूती के ऊपर समझते हैं कि हम हक पर हैं और हक की मुखालफत इसलिए करते हैं, ये हो जाएगी सूरत, ना माल रहेगा ना बनीन रहेंगे, ना जथा रहेगा ना दौलत रहेगी, कुव्वत नहीं रहेगी, ये कैफियत पैदा हो जाती है। और ये सब कुछ कहने के बाद कज़ाले कल अज़ा, ए रसूल इनसे कह दो कि इसे कहते हैं खुदा का अज़ाब। और देखा किस मिसाल से कुरान क्या समझाता है और अज़ाब के माने फिर क्या बयान थे। वो जो हमारे यहाँ है ना, मैंने कहा जाता हूँ, हर बार कहता हूँ कि ठीक है आखिरत की जिंदगी, उसका अजाब सवाब बरहक, लेकिन ये अजाब वहीं से नहीं, यहाँ अजाब शुरू होता है और यही तो वो चीज़ है जिससे दर्स इबरत मिल सकता है इंसान को, कि इसका नतीजा ये होता है। कज़ाले कल अजाब, इनसे कहो कि ये है अजाब जिसे कहा जाता है, जिससे मैं तुम्हें वार्न करना हूँ, ये हो जाएगा। अब वो जो बात मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ का अजाब और वहाँ का भी अजाब, अजीजा ने मन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, कुरान हाथ में लेके अपनी तरफ से कुछ कहना तो शिर्क है, अल्लाह महफूज रखे इससे। कज़ालिक अल अजाब वला अजाबुल आखिरत अकबर, ये है अजाब जो इस दुनिया में आता है, आखिरत का अजाब इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो खुद कह रहा है कि दुनिया का अजाब, जब वो जिल्लत और माकूमी और मोहताजी और मिस्कीनी और गैरों का मोहताज होना अजाब बताता है, तो फिर इस गलत फहमी में या खुश फहमी में माहौल रहना कि नहीं, हम खुदा के महबूब की महबूब उम्मत हैं, इसलिए हम तो खुदा के पसंदीदा हैं, हम पे अजाब नहीं आ सकता, अजाब दूसरों पे कहा, ये कैफियतें जो है, कहने लगे दुनिया चार दिन की बात है, इसमें कौन सा है, नक्शे उदलते रहते हैं। असल में तो अजाब और सवाब आखिरत का है, आप देखिएगा जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, ऐसे सन जुतियां पहनियां तो पहन दो। कुरान कहता है कज़ालिक अल अज़ाब, यूं अजाब आता है भरे हुए खलियान अनाज से, कौम भूखी मर रही है, लदे हुए फलों से दरख्त, गरीब एक एक चीज, इसका गरीब का बच्चा एक छोटे से बेर के लिए तरस रहा है। कज़ालिक अल अज़ाब, क्या जो उन्होंने कहा था कि हम महरूम हो गए, वो सिर्फ टिड्डी दाल ही महरूम नहीं करती है, इंसानों के टिड्डी दल जो है वो तो बेड़ा गर्क करके रख देता है, सब कुछ होते साथे किसी के नसीब में कुछ नहीं होता। गलत निजाम जो है वो है अजाब खुदा का। मिसाल ये बताई है कि सब कुछ होते साथे भी ये कैफियत हो कि मोहताजी और मिस्कीनी घर कर गई उस कौम के अंदर, महरूमियत, महरूम कहा है कुरान ने। लो कानू यालमून, काश गलत निजाम वाले इस बात को समझ सकते जो हमने कहा है कि भरे हुए खलियान और लदे हुए फलों से दरख्त भी उन मुन रह जाते हैं अगर निजाम गलत हो तो, लेने वाले ले जाते हैं, जो पैदा करने में साल भर दिन रात मेहनत करके गाढ़े पसीने की कमाई से ये पैदा करते हैं वो महरूम रहते हैं। कज़ाले कल अज़ाब, क्या बात है। इसके बरक्स इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिम जन्नातिन नईम, इसके बरक्स कवानीन खुदाबंदी की निगहदाश्त करने वाले जो है उनके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले उनके लिए नेमतों के खुशहालियों के बागात हैं। यहाँ वो तो एक बाग था, यहाँ जन्नात कहा है, बहुत से बागात उनके लिए होते हैं। बाग की मिसाल थी, बाग ही का लफ्ज कुरान लाया है, जन्नत नईम। कहा इनसे कहो सोचो
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا ایسا ہو جائے, ہو سکے گا کہ ہم مسلمین کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ اللہ اکبر, امتیازی خط کھینچ دیا قرآن نے, مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو, جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور جو قوم المجرمین قرآن نے کہا ہے تو وہ قوم المسلمین نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلموں کو اور مجرموں کو برابر یکساں ایک جیسا کر دیں؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے تو ایسی واضح مثال دی ہے کہ جس میں نے عرض کیا کسی ذہنی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں لانے کی. اس نے یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنین پر غالب آ جائے, ہو نہیں سکتا. اب جسے ہم مومنین یا مسلمان کہتے ہیں, ساری دنیا کی مسلمان قومیں کفار کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, وہ غالب ہیں ان کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, خدا کہتا ہو نہیں سکتا, تو پھر کیا چیز ہوگی؟ تو یہی بات ہوگی نا کہ جن پر یہ غالب ہیں یہ مومنین ہیں ہی نہیں. پہچان یہ ہوگی کہ جماعت مومنین پر کفار غالب نہیں آ سکیں گے, پہچان یہ ہوگی کہ مسلمین مجرمین جیسے نہیں ہو سکیں گے. مالکم, کیا بات قرآن کی, وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیفا تحکم, تم کس طرح اپنے فیصلے کرتے رہتے الٹے کہ کوئی بات نہیں, معاشرے کے اندر اگر جرائم بھی عام ہو رہے ہیں تو یہ کوئی وقتی سی بات ہے, کچھ بات نہیں ہے, مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, اسلامی ہونے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے, کوئی بات. کہتا ہے مالکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیفا تحکمون, وہ کیا فیصلے تم خود کرتے ہو اپنے ذہن سے, فیصلہ تو یہ ہے جو ہم نے کیا ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں؟ ہے وہ کتاب؟ ایک کتاب نہیں سر, انبار لگا ہوا ہے ان کتابوں جن میں یہی فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کفار کی ہے, مجرموں کی ہے, مومن اس دنیا کے اندر ایسے رہے گا کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں رہتا ہے. ہے کتاب میں, غربت اور مسکینی جو ہے یہ فخر ہے, ذلت اور محتاجی خدا کے بندوں کی نشانی ہے, ہیں کتاب میں جن میں لکھا ہوا ہے. اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ, کیا بات ہے, وہ کتابیں ہیں تمہارے پاس کہ جو وہ کچھ بتاتی ہیں جو تم چاہتے ہو. اللہ عیسیٰ من قرآن جس کے سامنے ہو وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا, وہ کتابیں ہیں تدرسون, انہی کی تدریس کرتے ہو, انہی کو اپنے دارالعلوموں میں پڑھاتے ہو, انہی کے مطابق واضح کہتے ہو, انہی کے مطابق قوانین بناتے ہو, ہیں کتابیں تمہارے پاس, اور ان کا وہ اس لیے تم سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ, کہ جو تم چاہتے ہو وہ کتاب وہ کچھ دے دیتی ہے تم کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی کے مطابق شرعی قانون ہو جائے, وہ کتابیں یہ دیتی ہیں. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا, معاہدہ بلکہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے تم ہمارے محبوب امتی رہو گی, ہے کوئی اس قسم کا پیمان دے رکھا تم نے ہم سے کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو, کوئی وعدہ لے رکھا اس قسم کا؟ اِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ, یہ وعدہ کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم فیصلے کرو, جس طرح کے جی چاہے قانون بناؤ فتوے دو, وہ سب کے سب خدا بندی قرار پا جائیں گے. یہ ہے کہیں تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ فیصلے تو تم اپنی طرف سے کرو اور کہو یہ کہ نہیں خدا سے ہم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں گے, وہ اسلامی قوانین قرار پا جائیں گے, فیصلے تو آپ کرو. لما تحکمون,
बड़े गौर तलब चीजें होती है अजीज़ अनुमान, कुरान का लफ्ज उसने जो कहा है कि अनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ खुदा का है। उसने जो कहा है कि मन लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फौलाएगा हुमुल काफिरून, खुदा की किताब के मुताबिक जो हुक्म नहीं करता वो काफिर है। कहा कि फिर तुमने हमसे कोई ऐद ऐसा ले रखा है, कोई आपस में कोई अग्रीमेंट है तुम्हारा हमारे साथ कि तुम जो फैसले करो वो हमारे फैसले समझ जाए। ताकुमून वही हुक्म का लफ्ज है, फैसलों का है, हुकूमत का है, कानून साजी का है। अल्लाह सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईमुन, ए रसूल पूछो इनसे और इनसे कहो कि लाओ वो बड़ा जो तुम्हारा है, जो छाती पे हाथ रख के ये कहे कि हाँ साहब ऐसा ही है जो हम कहते हैं, कहा इनसे कहो लाओ वो सामने हमारे कौन है। अल्लाह अकबर। अम्लहुम शुरका, अच्छा ये खुद नहीं इनके कुछ शरीक हैं साथ जो आगे कहेंगे कि हाँ साहब शरीयत का यही फैसला है। शुरका फल या तो बेशरकाए हूं इनकुम तुम सादिकीन, कहा इनसे कहो ये लाओ फिर अपने उन शुरका को अगर तुम सच्चे हो, वो बताए कि कौन सी वो किताब है जिसके अंदर हमने ये लिख के दिया हुआ है, कौन सा वो याद पैमान है जो हमसे किया हुआ है उन्होंने, तुम्हें मालूम नहीं, अपने साथी शुरका को लेके आ जाओ, एडवाइजर भी साथ ले आओ अपने जितने हैं, उनसे कहो वो बता दें आप। अजीजा ने मान एक ही चीज, एक लफ्ज फैसला कर देता है इस्लामी निजाम का और गैर इस्लामी निजाम का। यहां तो याकुम या ताकुम फैसला करना, हुक्म देना, हुकूमत करना किताबुल्लाह के मुताबिक है, वो तो इस्लामी है, खुदाबंदी है। और जहां ताकुमून है कि तुम जो खुद फैसले करो वो गैर इस्लामी है, इसे ही सेकुलरिज्म कहते हैं। तुमसे मुराद मुखातब अफराद ही नहीं होते, इंसान होते हैं, खुदा के फैसले और इंसानों के फैसले, आज के इंसानों के फैसले या हजार साल पहले के इंसानों के फैसले, वो सारे तहकुमून में आएंगे। तुम जो फैसले करते हो इस्लामी निजाम या इस्लामी शरीयत या इस्लामी हुकूमत कहते यूं हैं कि जिसमें फैसले इंसान नहीं करते, जिसमें फैसले खुदा की किताब करती है। ताहकुमून शिर्क है, अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह है, ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, वो अपने इस हक हुकूमत में फैसला करने के हक में किसी को शरीक नहीं करता। और यहां किस कदर वाजे अल्फाज में कहा कि क्या कोई किताबें ऐसी हैं फीह तदरसून जिनको तुम पढ़ते पढ़ाते रहे और उसमें इंसानों के बनाए हुए कवानीन, सारे कवानीन फिका इस्लामों के बनाए, वो आज के इंसानों के हों या हजार साल पहले के इंसानों को हों। वो कहता है कि ये अहद ले रखा इन्ना लकुम लमाता कमून, ये अहद कि तुम फैसले करो और वो खुदाई फैसले करार पा जाए। हाँ सल हूँ मैं हूँ बेजाले कर, क्या बात है रसूल, इनसे पूछो कि लाओ उस बड़े को जो ये जोम करता है कि हमारे फैसले खुदा के फैसले होते हैं, इन कुन तुम इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं तो इनसे कहो कि अपने शुरका को भी लाओ। और आगे फिर है कि यौमा युक्शफु अन साकिम व युदअउना इला सुजूद फला यस्ततीउन, बात आगे चलेगी कि जब फिर गलत निजाम के नतायज तबाह कुन, जैसा कि बार बार आ चुकी है बात, फौरी नहीं सामने आया करते, कुरान इसको मोहलत का वक्फा कहा करता है कि उस मोहलत के वक्फे के बाद जब फिर वो फल पक जाता है तो उस वक्त फिर अजाब इस शक्ल में सामने आता है कि खेतियां उजड़ जाती हैं, बाग वीरान हो जाते हैं, माल तबाह हो जाते हैं, जत्थे ख़त्म हो जाते हैं,
और खुदा का कानून गालिब आता है। और उस वक्त मुस्लिम और मुजरिम एक जैसे नहीं हो सकते। अजीज़ा नेमान, सूरह अल कलम की आयत 41 तक हम आ गए, 42 से आइंदा लेंगे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अल-गफूर रहीम।